रहना पड़ता है। होते हैं मैं कोकोनियो वीडियो के समय इसलिए मैंने वहां पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में मैं करने जा रही हूँ जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसका ही है ये सेकंड पार्ट। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, और मतलब कि उस पार्ट में आप लोगों को इससे पहले वाला जो वर्क है वो मैंने दिखाया है। उसके बाद में जो आधा मेरा बचा हुआ था उसको मैं इसमें दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने की थी किचन की सफाई, जो कि नीचे जो बॉक्सेस वगैरह रखे थे स्टील के डिब्बे वगैरह थे, तो बस मतलब यही है कि मंथली में वीकली में मैं कभी ना कभी है कि अपनी किचन की साफ सफाई करती रहती हूँ। तो इसलिए आज मेरा जो प्लान था वो था कि किचन से रिलेटिव, तो मैंने यहाँ कर नीचे ना सारा पहले तो सभी डिब्बे वगैरह जो थे वो मैंने यहाँ पर निकाल के एक साइड में रखे थे। रखने के बाद में जो फिर मैंने कॉलिन से इनको साफ किया था, तो मैंने पहले भी बताया कि कॉलिन से डिब्बे वगैरह या फिर स्टील के होते हैं या फिर कांच का कोई भी सामान होता है तो इन चीज़ों को साफ करने से ना उसमें इतनी चमक आ जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो बस वही मैंने इसमें किया है, और मतलब ये है कि ना धूल मिट्टी इतनी हो जाती है। देखो, झाड़ू पोछा तो हमेशा लगता है, रोज का लगता है, दिन में दो बार भी लग जाता है तो उसका कोई बोल भी नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन जो सामान वगैरह रखा रहता है तो उनके नीचे आप कितना भी साफ करके लगाओ फिर भी वही है कि इतना कूड़ा उसमें से नहीं साफ हो पाता जितना कि फिर सारी चीज़ों को हटा के लगाना पड़ता है। तो बस ये सारा सामान जो मैंने हटाया था, पट्टे वगैरह पर इतनी धूल हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, और सामान ऐसे भी होते हैं कि कई सारे जो कि हमें पता भी नहीं होता और उसमें सामान इतने रखे हुए होते हैं उनको ध्यान नहीं रहता तो वो सामान जो ख़राब हो जाते हैं। जैसा कि अभी इसमें एक पॉलिथीन में गुड़ रखा हुआ था तो उसको भूल गए थे, पता नहीं किस टाइम का रखा हुआ था, और वो ऐसा हो गया था कि मान लीजिए वह बहुत ज़्यादा चिपचिपा, और ना उसने जो वहाँ पर बास्केट रखी हुई है उसको ऐसा चिपका दिया था बहुत ज़्यादा। फिर सबसे पहले तो मैंने उस गुड़ को फेंका, फेंकने के बाद में सारा का सारा जो है जो बास्केट मैंने उसको साबुन से सर्फ से उसको साफ किया, उसके बाद में फिर मैंने उस पर सारा सामान लगाया। तो वही मेरा कहना है कि ना कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जिनको हम रख कर भूल जाते हैं और वो सामान फिर ऐसे ही रखे रह जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं। जब स्मेल आती है तब पता चलता है कि इसमें तो सामान रखा था। हाँ, तो मैं जब किचन साफ कर रही थी तो उसी के समय मैंने यहाँ पर ना चने वगैरह मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मैं चलो उसका नाश्ता हो जाएगा, चाट टाइप से बना लूँगी। वैसे तो मैं कच्चे ही उसको बना के खाती हूँ, तो आज मैंने बॉईल कर लिए थे। जब अंकुरित होते हैं मैं हमेशा अंकुरित करती हूँ, जैसे कि उसमें मूंग दाल है, काबुली चने हो गए हैं, ब्लैक वाले चने हो गए हैं, दाल हो गई, मूँग की दाल हो गई, ये सारी चीज़ों को ना आप दो दिन में अंकुरित हो जाती हैं ये ठीक से। तो बस अंकुरित करने के बाद में आप इसमें जो भी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, नमकीन वगैरह है, जो भी इसको चाट मसाला ये सारी चीज़ें उसमें डाल के बना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो फिर मैंने इसीलिए ना बॉयल करने के साथ रख दी थी, मैं जब तक मैं इसका किचन का काम करके फ्री हो जाऊँगी तब तक वो बॉयल हो जाएंगे। तो फटाफट से रीना की छोटी मोटी सी हल्की सी भूख लग भी रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम मतलब कि ये मान लीजिए कम से कम 11:30 के आसपास हो रहा है, तो बस चाय पी हुई थी तो इसलिए ब्रेड वगैरह खा लिए थे, लेकिन काम करते समय थोड़ा सा भूख तो है ही लग जाती है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर कोई भी न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना जिससे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं करती हूँ फटाफट से यहाँ से साफ। तो किचन तो मैंने ऑलरेडी मतलब वहाँ से कर दिया है सिलेंडर वगैरह निकाल के, बस ऊपर की अभी सफाई मेरी बाकी है तो उसको फिर मैं देखती हूँ, पहले तो नीचे का जो काम है उसको कर लेते हैं। उसके मतलब ये अब ये हो गया कि हाँ आज का नीचे वाले जो डिब्बे वगैरह थे उनको मैंने साफ कर दिया है, और नेक्स्ट टाइम फिर मैं ऊपर वाले जो बॉक्सेस वगैरह हैं उनको फिर मैं साफ़ कर दूंगी। तो पहले तो यही था कि ना पहले मैं नीचे का सारा काम निपटा लेती हूँ फिर जाके ऊपर का मैं बाकी का देखूंगी, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, मुझे अभी नहाना भी है और यहाँ से करने के बाद फिर खाना वगैरह भी खाना करना, तो वही टाइम हो जाएगा फिर, हो जाता है समय बच्चों को स्कूल से आने का तो फिर काम नहीं हो पाता।
बच्चों के साथ में बहुत कम, मतलब यही कि उनको ही इतना काम हो जाता है बहुत ज्यादा, तो घर का बाकी का काम करने का फिर समय ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए ना ये जितना भी साफ सफाई का वैसा जो काम होता है तो वो अकेले होकर ही हो पाता है, क्योंकि फिर बच्चों के साथ में यही है कि हम इधर से साफ कर रहे हैं और बच्चे ना इधर से निकल जाते हैं, हम उधर से साफ कर रहे हैं बच्चे इधर फैला देते हैं, वो चीज़ें लगी रहती हैं। तो फ्रेंड्स मैं करती हूँ घर की साफ सफाई फटाफट से, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।
फ्रेंड्स मैंने झाड़ू लगा दिया है, और झाड़ू लगाने के बाद में मैंने फिर पोछा भी वहाँ पर लगा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं फिर एक साथ ही फ्री हो जाती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर पोछा भी लगा दिया है, रूम में लगा दिया, फैन ऑन करके रख दिया है जिससे कि ये जल्दी से सूख जाएंगे। तो अंदर से लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पर बालकनी में, तो बालकनी को भी मैंने यहाँ पर पहले तो पानी से ही साफ कर दिया था, उसके बाद में जो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी रह गया था तो उसको मैंने पोंछे से साफ कर दिया है, सुखा दिया है, तो घर हो गया है एकदम क्लीन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं।